के बारे में जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। और हाँ, जितने भी लोग हमारे चैनल पर आते हैं वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग जितना जल्दी शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना जल्दी हमारा हम लाइव आना शुरू कर देंगे। ये हम आपसे शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों से किसी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था किसी कारणवश। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो कि UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 44। जब हम पार्ट 4 पढ़ते हैं DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें आर्टिकल नंबर 44 आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है, हम राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14-18 पढ़ते हैं, तो उसमें सबके साथ समानता का भाव होना चाहिए, ऐसा ही हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आया है जो कि जो है UPSC के लिहाज से और जितने भी पेपर होते हैं उन सब के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है आपका मुद्दा है। तो इस मुद्दे पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है, क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो केंद्र सरकारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने लोगों को समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी है। क्या मांगा है, जिससे देश में, और ये जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ ये विभिन्न पेपरों के माध्यम से उठा रहा हूँ क्योंकि ये जो है सारे पेपरों में दिया गया है, मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिया है इसमें। कुछ लोगों ने तो विरोध किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे सही ठहराना शुरू किया है। लोगों के सुझाव और लॉ कमीशन की सिफारिश के आधार पर ये बना है। अब यहाँ ये जो है इसमें तेरह मुद्दे डिस्कशन किए में आए हैं। पहला क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने जितने लोग भी पॉलिटी पढ़ रखे होंगे जब DPSP पढ़ते हैं तो उसके बारे में उन लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम नहीं चर्चा करते हैं। किसी दिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके बारे में हम बता देंगे कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज हम जो करंट अफेयर में आया है, करंट अफेयर का मुद्दा है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ने क्या क्या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है लोगों से सजेशन मांगे हैं। तो उन्होंने फर्स्ट कहा है कि UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी धर्मों की लड़कियों का विवाह एक समान करने का प्रस्ताव है। जानते हैं कि मुस्लिम लोगों का अलग विवाह है, वो उनके यहाँ बहु विवाह की प्रथा है, तो इन सबको ख़त्म करके मतलब जैसे किसी राइट टू रिलीजन या रिलीजियस जो वो है उसके अनुसार हम अपने धर्म को मानते हुए अपना आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं, उस धर्म के अनुसार चल सकते हैं। लेकिन जो है कुछ चीज़ें हमारे लिए या हमारे देश के लिए या सबके लिए कहीं ना कहीं बैड लक साबित हो रही है, तो इस चीज़ को देखते हुए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो चाहती है कि सभी धर्मों की लड़कियों की का विवाह एक समान करने का, यानी जो हमारे हिंदू धर्म या जो भी है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया था उसमें लड़कियों की भी शादी 21 साल और लड़कों की भी शादी कम से कम 21 साल, जिससे उनका ग्रेजुएशन, जिससे थोड़ा वो पढ़े लिखे हो सकें और एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान सकें। जैसे हम पहले की प्रथा थी, उस प्रथा में क्या होता था, उस प्रथा में बहुत कम उम्र पर लड़कियों की शादी कर दी जाती थी कि जिससे कि उनकी बॉडी विकसित नहीं हो पाती थी, डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी। और जब डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे लिए और हमारी बच्चियों के लिए या इन लोगों के लिए ये एक सोशल इशू भी बन जाता है जो कि कहीं ना कहीं जो है एक तरह ये बुराइयाँ हैं। तो इन चीज़ों को डिस्कशन, देखो हम जानते हैं कि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, इन लोगों में लड़कियों की उम्र की विवाह 18 से भी कम है। अगर UCC लागू हो जाए, यूनियन सिविल कोड लागू हो जाए, तो सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी, जिससे कि वो एक दूसरे को समझने में मदद करेंगे। पहला मुद्दा तो ये था। दूसरे मुद्दे में
दूसरा टॉपिक क्या है, विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। भारत में चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों या सिख हों या ईसाई हों, बौद्ध जन या जितने भी धर्म वाले हैं, तो उनका विवाह को रजिस्टर करवाना अभी अनिवार्य नहीं है। लोग शादी कर लेते हैं लेकिन विवाह को रजिस्टर नहीं करवाते। लोग रजिस्ट्रेशन तभी करते हैं जब उन्हें कहीं विदेश या कहीं आना जाना होता है, तब तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में सभी धर्मों को, जब ये एक्ट अगर ला दिया जाता है, तो इसमें सभी धर्मों का रजिस्ट्रेशन यानी विवाह का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ये अगर रजिस्ट्रेशन मान लो नहीं करवाते हैं तो उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर दो बच्चों से ज़्यादा होगा तो उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार अगर वो जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उन्हें सरकारी सुविधाओं से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। तो ये सेकंड मुद्दा है जो कि यूपीएससी के लिहाज से काफ़ी, यूपीएससी या अदर सोशल सर्विसेज जैसे स्टेट पीसीएस, इन सब के एसपीएससी या जेपीएससी के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिनने अभी तक क्या था, मुस्लिम या अन्य धर्मों में बहुविवाह था, तो बहुविवाह से क्या होता है कि जितने भी परिवार हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो आने वाले समय में देखो, जैसे मुस्लिम थर्ड जो आपका मुद्दा है उसमें है कि बहुविवाह, देखो जो प्रश्न, ये कई सारे धर्म ऐसे हैं कि जो बहुविवाह यानी मल्टीपल जो मैरिज है उसको मान्यता देते हैं। जैसे कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें तीन यानी तीन मैरिज तक आप कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे ही तीसरा ये लागू होगा वैसे बहुविवाह खत्म हो जाएगा, यानी मल्टीपल मैरिज खत्म हो जाएगी। तो अगर कोई तलाक दे देता है तो वो खत्म, मामला खत्म। तो जब मामला खत्म हो जाएगा तो लोग डरेंगे इस चीज़ों से कि हम जो है अपने बीच में सामंजस्य बैठा कर रखेंगे, जिससे कि जो है अगर शादी कैंसिल हो तो मतलब अपने आप, जैसे पहले के रीति रिवाजों में था, जैसे गांव के आज भी ऐसे लोग हैं जहां बहु विवाह नहीं होता है हमारे हिंदू धर्म में। लेकिन आने वाले समय में हम देखते हैं जैसे मॉडर्न ज़माना आ रहा है, लोग एक विवाह तोड़ करके दूसरा विवाह कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है समाज की दृष्टि से या जो बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी ठेस पहुँचती है, कि जिससे उनके माता पिता अलग हो जाते हैं। कई केस ऐसे हमने भी देखे हैं जिसमें उनके माँ अलग रह रही हैं, बाप अलग रह रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पर काफ़ी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उनके पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरा तो यही कंसिडरेशन है कि इसे जितना जल्दी ख़त्म किया जा सके इन चीज़ों को, उन चीज़ों को यानी मल्टीपल मैरिज पर क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। और चौथा जो हलाला या इद्दत, इन सबको ख़त्म किया जाना चाहिए। कि इसमें मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसमें अगर तलाक हो जाए तो पति पत्नी फिर अगर विवाह एक साथ रहना चाहें तो उन्हें हलाला या इद्दत जैसे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इन सबको इसमें हमारी जो महिलाएं हैं यानी सोशल जो जस्टिस है वो सोशल जस्टिस भी होगी, और महिलाओं के साथ जो ये वुमेन एम्पावरमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इन चीज़ों को यूसीसी के मुसजाओं को अगर कानून बनाया गया यानी यूनियन सिविल कोड को लागू किया गया तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। और अब तलाक के जो है नियम क्या, जो है अभी हमने आर्टिकल 142 बताया था कुछ दिन पहले, आर्टिकल 142 हमने बताया था कि अब तलाक आने वाले समय में 6-7 दिन में अगर आप चाहेंगे तो तलाक हो जाएंगी, क्योंकि उसकी हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताए थे। क्योंकि अगर यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस में तो उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पूछा जाता है। तो हर एक चीज़ के कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप एक पक्ष में होकर ना लिखें, किसी भी चीज़ को आप बैलेंस बनाकर जरूर लिखा करें। तो तलाक के बीच ऐसे देखो, पत्नी के बीच अभी जो है जब अगर तलाक हो रहा है तो उसमें भी समान यानी इक्वल बेस लागू होना चाहिए, ये पांचवा था। अब जो है क्या होता है अगला, जो सिक्स जो पॉइंट है, सिक्स पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका काफ़ी दिनों से मैं समर्थन कर रहा हूँ कि सास ससुर की देख रेख, सास ससुर की देख रेख
जो है, अगर मान लो पति पत्नी कोई पत्नी की डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, कोई किसी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो जो है अगर उनके यहाँ यानी उनके माता पिता के अलावा उनके कोई देख रेख वाला नहीं है, तो उनको भी जो पति है उसको देख रेख करनी पड़ेगी। ये अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसा एज है जो बच्चों जैसा है, तो उन चीज़ों पर जो है क्या होता है कि जैसे वो पत्नी ख़त्म हो जाती है और वो प्रॉपर्टी का वारिस के वारिस बन जाते हैं, तो वो सास ससुर की देख रेख करना बंद कर देते हैं और उन्हें ऐसे गड्ढे में ले जाकर फेंक देते हैं जहाँ उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता। तो वो फिर उन्हें अगर उनके आसपास कहीं वृद्धा आश्रम है तो उसमें जाकर शरण लेते हैं। तो इन चीज़ों इन प्रक्रियाओं से बचना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है उसका गुजारा भत्ता दिलवाना चाहिए हर महीने मंथली की, जितने में उनका अच्छे से खर्चे और प्लस जितने दवा और इन सब का निकल जाए। ये काफ़ी अच्छा मुद्दा है। गोद लेने का अधिकार, गोद लेने का अनुसार, अब जो है कुछ धर्म ऐसे हैं जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐसा है जो महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। हिंदुओं में तो बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन जो मुस्लिम हैं वहाँ पर बच्चे को गोद लेने की प्रथा पर्सनल लॉ यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार बाधित है, यानी नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये लागू होने से जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी बच्चे लेने का अधिकार, उन्हें भी राइट्स मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर जिनके बच्चे नहीं हैं तो वो अपने यानी बच्चों को गोद लेकर वो भी खुशी जाहिर कर सकेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, बर्थ कर सकते हैं, देखो बच्चों का बर्थ। लेकिन कहीं ना कहीं गोद लेने से अगर उनकी खुशी जाहिर होती है तो इस खुशी को वो पा सकते हैं इस एक्ट के अनुसार। अब आगे आठवां जो मुद्दा है जो कि भरण पोषण, देखो क्या होता है कभी कभी मान लो वो होता है पति की डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है, पति की डेथ हो जाती है, तो पति की डेथ के बाद जो पत्नी होती है वो दूसरी शादी कर लेती है। तो दूसरी शादी कर लेती है तो जिससे जो पति होता है, मान लो वो एक बेटा है उनके यहाँ और एक ही बेटा था जो उनका सहारा था, उनकी कहते हैं कि एकमात्र सहारा, तो वो अगर एकमात्र सहारा ख़त्म हो जाता है तो जो पत्नी है अगर वो दूसरा विवाह कर लेती है तो जो माता पिता होते हैं उनके पास कोई नहीं रह जाता और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इस चीज़ को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार यानी जब पिता यानी जो सास ससुर होते हैं उस लड़की के, तो वो सास अगर वो दूसरा शादी कर लेती है तो जो है उससे उनका देख रेख करना पड़ेगा। अगर वो दूसरा शादी करती है तो उन्हें देख रेख करना पड़ेगा, यानी उन्हें जो है जैसे वो किसी से शादी करती है तो उन्हें दहेज के रूप में या मुआवजा के रूप में उस बूढ़े माँ बाप को दे दिया जाएगा जिससे वो देख रेख करें। अगर देख रेख में कोई प्रॉब्लम करते हैं तो उसके लिए उन्हें दंडित भी किया जाएगा यानी उन्हें पनिशमेंट किया जाएगा। एक अब नौवां मुद्दा डिस्कशन करते हैं, 13 में से नौवां मुद्दा क्या है। काफ़ी अच्छे मुद्दे हैं जो सोशल जस्टिस और पॉलिटी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और जो है अब मान लो क्या होता है, जैसे कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं कि कोई बच्चे किसी के बच्चे छोटे छोटे हैं उनके माँ बाप की डेथ हो जाती है, ऐसे एक दो केस हमने देखे भी हैं गांव के केस बने हैं या अदर केसों में कि उनके माँ बाप की डेथ हो जाती है, तो जो उनके रिश्तेदार होते हैं यानी जो रिलेशनशिप के होते हैं वो पहले तो उनके गार्जियन बन जाएंगे कि हाँ हम इनकी देख करेंगे, लेकिन बाद में वो उनका जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसको वो क्या कर देते हैं, हड़प लेते हैं और हड़प करके उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जब हड़प करके बेसहारा छोड़ देते हैं तो ऐसे बच्चे कहाँ जाएं, उनकी शादी और बहुत सारी चीज़ें उनका खर्चा कैसे निकले, तो इसको भी एक जो है मुद्दे के रूप में लिया गया है, 9th नंबर का मुद्दा है। अब जो है उत्तराधिकार का नियम,
उत्तराधिकार का नियम है। देखो क्या है, कई सारे धर्म ऐसे हैं, कई कई सारे रिलीजियस ऐसे हैं कि जो है जिसमें कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं होता है, और इसमें जो है क्या नहीं होता, हासिल नहीं होता है, जबकि राइट टू इक्वलिटी ये कहती है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, जो आर्टिकल नंबर 14-18 ऐसा ही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार क्या है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे जो है लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो या फिर जो है जब किसी कोई महिला गर्भवती होती है उसका केस हो, या और भी बहुत सारे केस हैं जिस पर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब काफ़ी समय पहले एंशियंट टाइम में या आज के काफ़ी 200-100 साल पहले महिलाओं के साथ काफ़ी अत्याचार किया जाता था, तो कहीं ना कहीं, और आज हम देखते भी हैं कि जितनी भी आज इस बार के जो UPSC है उसमें टॉप 4-5 में केवल महिलाएं ही आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं वो मेहनत कर रही हैं, तो उनके भी जज्बे को सलाम करना चाहिए और जो उन्हें भी हर एक उसमें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आ रहा है, उस मॉडर्न ज़माने में हम देख रहे हैं कि महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जा रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन अभी गांव या पिछड़े इलाके ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता और उन्हें हमेशा नीचा ही समझा जाता है, तो ये सारी ये लागू होने के बाद कहीं ना कहीं महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा, यानी वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। अब जनसंख्या नियंत्रण, हाँ जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत जो है, यानी जनसंख्या जो हमारी वृद्धि हो रही है वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आज हम वर्ल्ड में नंबर एक, जनसंख्या के मामले में नंबर एक हैं। चाइना, जैसे कि चाइना को हम देखते हैं वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसने अपनी जनसंख्या को अपना पावर बना लिया, यानी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं अपना पावर बना लिया, और इसी प्रकार हमें भी करने चाहिए, अगर हम जनसंख्या हमारे पास ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो स्टार्टअप हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, लोगों को नौकरी देनी चाहिए, तो जो है जनसंख्या हमारे लिए गंभीर मुद्दा है, और हमारे यहाँ रिसेशन काफ़ी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जनसंख्या भी एक मामला है, और इसको कहीं ना कहीं जनसंख्या पर बच्चे पैदा, जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं उन बच्चों इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे कि जो है हमारे दो वाला नीति अपनाना चाहिए और पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। जो है इसमें अपना हमारे अनुसार ये होना चाहिए, ये अभी जैसे 1979 में चाइना ने एक चाइल्ड पॉलिसी कर दी थी, तो उसी प्रकार हमारे भी यहाँ अभी एक चाइल्ड पॉलिसी की, या ज़्यादा से ज़्यादा दो चाइल्ड पॉलिसी कर देनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जबकि फर्टिलिटी रेट 2.10 एग्जैक्ट मानी जाती है, अगर जनसंख्या को इक्वल बनाए रखना है यानी कॉन्स्टेंट बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.10 होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए देखो अब आते हैं 12 नंबर पर। 12 नंबर क्या है, लिव इन रिलेशनशिप। आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं और इसके बारे में काफ़ी दिन पहले हमने ये पढ़ा था कि लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चा पैदा होगा उसमें उत्तराधिकार का भी नियम बनाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है लिव इन रिलेशनशिप, अभी देश में लिव इन रिलेशनशिप अभी क्या नहीं है, अपराध की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट के से इसका कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशन होना चाहिए कि जिससे
पहले अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो पहले लड़के और लड़की को कहीं पुलिस स्टेशन, नियर बाई पुलिस स्टेशन या अलग या गवर्नमेंट, इन सब में कहीं ना कहीं उसके सूचना इंफॉर्मेशन पहले देनी चाहिए, फिर रिलेशनशिप में रहना चाहिए। ये भी एक जो है एक मुद्दा है, हमारे अनुसार भी जो है पहले गवर्नमेंट को सजेशन देना देना होगा कि अगर सजेशन यानी सॉरी इंफॉर्मेशन देना होगा, इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो गवर्नमेंट को ये या नियर बाई पुलिस स्टेशन को ये मालूम रहेगा कि जो है ये रिलेशनशिप में रहते थे, जिससे कोई भी अनहोनी होती है तो जिससे आसानी से उसे सुलझाया जा सके। अब 30 नंबर क्या है कि 30 नंबर में ये कहा गया है कि क्या होता है, मान लो पत्नी या के बीच झगड़ा हो जाता है तो बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, जो कि हम पूर्व में डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या क्या इसका काफ़ी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है उनके एजुकेशन पर, उनके हेल्थ पर, उनके जो है और भी सारी चीज़ों पर, कहीं ना कहीं खर्चे को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर काफ़ी विवादित मुद्दा पैदा होता है। तो इन चीज़ों पर भी एक गहन डिस्कशन होना चाहिए कि अगर मान लो पत्नी अलग हो रहे हैं तो ये ना वो बच्चे ना तो पति को दिए जाए ना पत्नी को दे दिए जाए, उनके दादा या दादी कोई हैं तो उन्हें सौंप दिया जाए, और पत्नी जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें से उनका वो जो है दादा दादी को देने के लिए बोला जाए, कि जिससे कि उन्हें उनका भरण पोषण करने में कोई प्रॉब्लम, या नाना नानी को भी सौंप सकते हैं, नाना नानी या दादा दादी इन दोनों में से किसी को सौंपा जाए, जिससे उनके बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने रहें और उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। अब इससे तो ये तो हमने 13 मुद्दे डिस्कशन किए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हमारे DPSP के आर्टिकल नंबर 44 में है पार्ट नंबर 4 और आर्टिकल 44 में है। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 15 है, जो कि नो डिस्क्रिप्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 25 इसका खंडन करता है। वो कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इन दोनों में टक्कर होता है जो हमारे आर्टिकल नंबर 15 है और आर्टिकल नंबर 25 है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 25 और 25(2) ये कहता है कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी धर्म की स्वतंत्रता है, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन में खोल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन जो है पहले हमारा स्टेट है तब कुछ है, अब इसके बारे में हम ये भी बता देते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ओनली स्टेट जो है गोवा है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में और कोई भी स्टेट, अभी उत्तराखंड में भी कुछ बताया गया था, तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो पूरे भारत में समान तरीके से लागू करना चाहिए। मेरा लास्ट का सजेशन ये रहेगा कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में सही तरीके से जितने भी मुद्दे में ये सोशल जस्टिस को देखते हुए और हर एक चीज़ को, जैसे गोवा एक सिविल कोड लागू करने वाला, उत्तराखंड भी जो है इस मुद्दे पर चल रहा था, तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। और ये सारा जो हमने बताया है 13 मुद्दे, ये हमारे पेपर और जो है इसका श्रेय मैं उन्हें देता हूँ, हमारे द्वारा कोई भी चीज़ लिखित नहीं है। तो अब मैं इन्हीं बातों के साथ विराम देना चाहता हूँ।